नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। जी हाँ दोस्तों, SSC CHSL का जो रिमेनिंग एग्ज़ाम होना था उसके लिए एग्ज़ाम डेट, टाइम, शिफ्टिंग और एडमिट कार्ड जारी होने का डेट आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा SSC आपका जो CHSL 2019 में वैकेंसी आई थी, कुछ कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम हो गया था, लेकिन जब एग्ज़ाम होना था तो लॉकडाउन हो गया था 22 मार्च से, उसके कारण जो एग्ज़ाम स्थगित हो गया था। जिन कैंडिडेट का एग्ज़ाम नहीं हुआ था SSC CHSL 2019 भर्ती का, उसका फिर से एडमिट कार्ड जारी हो रहा है। आज ये लिंक एक्टिवेट हो चुका है, आ चुका है, आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। वो है 17 अक्टूबर से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, 20 से आपका एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। आज से आप अपना डेट, एग्ज़ाम सेंटर और शिफ्ट आपको दिखाई दे रहा है, आप दे देगा, आप अपना चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, लिखा गया है CHSL कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 10+2 का जो एग्ज़ाम होता है। यहाँ पे तीन मोड दिया गया है, या तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर से देखें या तो रोल नंबर से देखें। सबसे अच्छा है लास्ट वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पे आपको अपना नाम डालना होगा, उसके बाद अपने पिताजी का नाम, अपने फादर का नाम डाल दें, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लें, उसके बाद जो आपने एग्ज़ाम सिटी सिलेक्ट किया था फॉर्म भरते टाइम पे, जो भी आपने एग्ज़ाम सिटी डाला होगा, एग्ज़ाम सेंटर, वो आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऐड कर दें 1 और 7 कितना होता है। उसके बाद सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा, लाइन पे बने रहे, मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, ये आपका यहाँ पे शो कर देगा नाम, रोल नंबर और किस दिन आपका एग्ज़ाम सेंटर, एग्ज़ाम डेट, एग्ज़ाम शिफ्ट और किस दिन से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, वो भी यहाँ पे नीचे में लिख दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप अपना डाल के चेक कर लें, मैंने आपको जैसे बता दिया वैसे इंटर करके आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, अपनी तैयारी जारी रखें, आपका एग्ज़ाम अक्टूबर में होने वाला है, तब तक के लिए धन्यवाद।